नमस्कार, तेज खबर 24 में मैं हूं आपके साथ हंसिका सिंह। आइए हम बात करते हैं पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि रीवा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर क्या कार्य योजना है और कब इसका भूमि पूजन किया जाएगा। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के पास। नमस्कार, ये हम सब के लिए, विंध्य और रीवा के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि लंबे समय के प्रयास और लंबे समय के इंतजार के बाद विंध्य क्षेत्र को एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है 15 फरवरी को। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भूमि पूजन के लिए रीवा पधार रहे हैं। और जैसा हम लोग ये मानते थे कि रीवा और विंध्य एक ऐसा इलाका है जो हवाई सेवा से वंचित रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं हमारा विकास प्रभावित होता रहा है, चाहे वो पर्यटन के विस्तार की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल निवेश की बात हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़ी हुई चीज़ों को और ऊंचाई पर ले जाने की बात हो। पहली रिक्वायरमेंट आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि एयर कनेक्टिविटी की बड़ी ज़रूरत सभी को महसूस होती है, और इसलिए ये प्रयास चलता रहा कि रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में परिवर्तन किया जाए। और आज वो इंतजार पूरा हो रहा है। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसके टेंडर हो गए और काम शुरू होना है। रीवा की हवाई पट्टी 64 एकड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी को ट्रांसफ़र हो गई है और अन्य आवश्यक भूमि भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को जल्दी मिली जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी भूमि पूजन के लिए रीवा पधार रहे हैं, और सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ और सभी से ये निवेदन भी करता हूँ कि 15 फरवरी को इस ऐतिहासिक मौके पर जरूर साक्षी बने, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस ऐतिहासिक क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने हमें बताया कि आगामी 15 फरवरी को रीवा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के भूमि पूजन किया जाएगा और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे और कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस खबर को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।